नमस्कार, मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस और उसकी महामारी ने ना सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया में कहर मचाया हुआ है। इसी के साथ ही इस वायरस का नया स्ट्रेन आ गया है जो कि ब्रिटेन में अलग है, अफ्रीका में अलग है और जापान में भी हमें एक अलग स्ट्रेन मिला है। और अफ्रीका में जो स्ट्रेन मिला वही सेम स्ट्रेन हमें हमारे भारत में भी मिल गया है, क्योंकि ये स्ट्रेन 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। इस वजह से सबकी चिंताएं बढ़ी हुई है। इसी के साथ ही आज 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के साथ ही वैक्सीनेशन जो हमारे देश में हो रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है। और यहाँ पर देश में कई सारी अच्छी खबरें हैं तो कुछ बुरी खबरें हैं इस वैक्सीन को लेकर, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी सिर्फ महत्वपूर्ण 5 खबरें। दोस्तों, जो पहली अपडेट है वो ये है कि देश में कोरोना वायरस के मिले हैं 15,158 नए कोरोना केसेस, 175 लोगों की गई जान। देश में कोरोना वायरस महामारी ने लगातार अपना कहर बरपा रखा है। चाहे आज 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन नए केसेस सामने आने की जो प्रक्रिया है वो अभी तक थम नहीं रही है। इसी बीच में पिछले 24 घंटे में 15,158 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे कि कोरोना वायरस के कुल केसेस हो गए हैं 1,05,42,841। बात की जाए कोरोना वायरस से जंग हारने वाले पेशेंट्स की तो ये संख्या 158 हो गई है। इसी के साथ ही कोरोना वायरस से अपनी जंग हारने वाले पेशेंट्स की संख्या हो गई है 1,52,093। इसी के साथ ही रिकवरी रेट भी देश का काफी अच्छा है और मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है। दूसरी जो अपडेट है वो ये है, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, लोगों का भ्रम दूर करने की कोशिश। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत आज 16 जनवरी से हो चुकी है। इसी बीच में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है और वो कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने वाले तीसरे देशवासी हैं। और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की उपस्थिति में ये वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर जितने भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही है, उन पर एक पूर्ण विराम लगाने के लिए मैंने ये वैक्सीन लगवाई है, ताकि लोगों को ये भरोसा दिलाया जा सके कि जो बातें फैलाई जा रही है वैक्सीन को लेकर कि इससे डीएनए परिवर्तन हो सकता है या फिर इससे ज्यादा हानि पहुंच सकती है, इन सब चीजों पर ब्रेक लगाने के लिए ये वैक्सीन लगवाई है, ताकि लोगों को इस वैक्सीन पर भरोसा हो सके। तीसरी जो अपडेट है वो ये है, सीरम के सीईओ आदार पूनावाला ने लगवाया कोविशील्ड का टीका। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे देश के स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण लगाना शुरू हो चुका है। आज प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाया गया और यहाँ पर सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही ये वैक्सीन लगाया गया है। तो वही बात की जाए टीके की, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड का निर्माण किया है और ये ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर सीरम ने इसका निर्माण किया है। तो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने भी अपनी वैक्सीन को लगवाया है। उन्होंने ये वैक्सीन कैमरे के सामने लगवाई है, ताकि लोगों को ये भरोसा दिलाया जा सके कि उनके द्वारा निर्मित ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और ये कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में सबसे महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा। सीरम इंस्टीट्यूट सीईओ आदार पूनावाला के अलावा एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाई है और आज के वैक्सीनेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से वैक्सीन को लेकर फैलाए गए भ्रम के साथ लोगों के दिमाग को क्लियर करते हुए अपनी बात सामने रखते हुए कहा कि वैक्सीन सुरक्षित है और इसका टीकाकरण आपको कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी प्रदान करेगा। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि वैक्सीनेशन पर उठाए गए सवाल, कांग्रेस के द्वारा मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार के मंत्रियों ने क्यों नहीं लगवाया टीका। जी हाँ दोस्तों, जब से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खबरें सामने आई हैं और वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, इससे पहले जिन भी वैक्सीन्स को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली उसके बाद कांग्रेस ने लगातार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वैक्सीनेशन की जब शुरुआत हो रही है तो सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को ही आगे बुलाया जा रहा है, सरकार के मंत्री खुद वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं और लोगों को इस बात का भरोसा दिलाएं कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, क्योंकि दुनिया के ऐसे कई सारे नेता हैं, मंत्री हैं, जिन भी देशों में ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उन्होंने सबसे आगे बढ़कर पहले टीका लगवाया है, तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री ये टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं, ताकि हमें भरोसा हो, जनता को भरोसा हो ये टीका सुरक्षित है और आपके भले के लिए ही इसे अनुमति दी गई है इस्तेमाल की। मनीष तिवारी कोवैक्सीन को लेकर लगातार हमलावार हो रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के मंत्रियों को भी ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। पांचवी जो अपडेट है वो ये है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, संजीवनी का काम करेगी ये वैक्सीन।
हमारे देश में आज 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया और उन्होंने देश भर में फैल रही कोरोना वायरस को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको लेकर अपना पक्ष सामने रखा और कहा कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो वहीं इस वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन एम्स भी पहुंचे, जहां पर रणदीप गुलेरिया जो कि डायरेक्टर हैं एम्स के, उन्होंने वहीं पर टीकाकरण लगवाया। तो साथ ही भी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों से ये भी कहा कि सोशल मीडिया जैसी जगहों पर कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो वैक्सीन को लेकर गलत फहमियां लोगों के दिमाग में भर रहे हैं, ऐसी खबरें फैला रहे हैं कि वैक्सीन आपके डीएनए को परिवर्तित करेगी जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैक्सीन आपके लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है और ये वैक्सीन कोरोना वायरस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित होगा और ये वैक्सीन संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी क्योंकि ये हमें कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रदान करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 5 खबरें, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसके वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।